नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सीएन का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो, कोई हिंदी से ना दूर हो, इंग्लिश के नशे में चूर हो, अपनी मातृभाषा हिंदी हर घर में व्यवहार हो, हिंदी हिंदी शिरमो तो हिंदी का गुणगान हो। सीएफएम का एक मकसद उन्नत हो साहित्य जगत, हिंदी का प्रचार हो, देश का उपकार हो। नमस्कार, मैं ट्विंकल वर्मा, कोल्ड फिल्म मिरर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम का नाम सीएफएम वीक है। कोल्ड फिल्म मिरर आप सभी को एक सुनहरा मौका दे रहा है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, आप सभी अपनी स्वरचित कविता पाठ करते हुए उस नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। आइए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। आज की मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है स्त्री प्रेम। स्त्रियों को प्रेम किसने सिखाया है, स्त्रियों को प्रेम किसने सिखाया है, पूरे संसार में बीज उसी ने बोया है। स्त्रियों को अलग थलग किसने किया है, स्त्रियों को अलग थलग किसने किया है, पूरे समाज को उसी ने जोड़ा है। स्त्रियों के मान सम्मान को किसने बचाया है, स्त्रियों के मान सम्मान को किसने बचाया है, पूरे खानदान की इज्जत का बोझ उसी के सर पर डाला है। स्त्रियों को आगे बढ़ना किसने सिखाया है, स्त्रियों को आगे बढ़ना किसने सिखाया है, पूरे दुनिया ने तो उसे बंदी बनाया है। स्त्रियों को कुल्टा कुलक्षणी किसने कहा है, स्त्रियों को कुल्टा कुलक्षणी किसने कहा है, पर मंदिरों में देवी की मूर्त बनाकर सबने पूजा है। स्त्रियों को शिक्षित होने किसने नहीं दिया है, स्त्रियों को शिक्षित होने किसने नहीं दिया है, पर आसमान में उनके ही आंचल लहरा रहे हैं। स्त्रियों को स्त्री का दुश्मन किसने बनाया है, स्त्रियों को स्त्री का दुश्मन किसने बनाया है, पर दादी नानी माँ बहनें बुआ मौसी सहेलियों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया है। स्त्रियों को स्त्री के प्रति प्रेम देख किसका खाना नहीं पचता है, स्त्रियों को स्त्री के प्रति प्रेम देख किसका खाना नहीं पचता है, पर वो जब दूसरे घर को अपना समझती है, पर वो जब दूसरे घर को अपना समझती है, स्त्री प्रेम वहां भी झलकता है, स्त्री प्रेम वहां भी झलकता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नंदिनी कुमारी सर, स्वागत है आप सभी का सीएफएम वीक में। सीएफएम हमारे लिए एक बहुत बड़ा मंच है और जहांगीर सर का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। सीएफएम के जरिए ही हमारे लेखनी क्षेत्र को अंधेरे से उजाले की ओर अवगत हुई है, तो मैं उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। ना जान थी मैं बिन पहचान थी मैं अपने अंदर की प्रतिभा होते हुए भी बेनाम थी मैं, अपने अंदर की प्रतिभा होते हुए भी बेनाम थी मैं, आत्मविश्वास के स्तर पर न्यून थी मैं, अव्वल होते हुए भी शून्य थी मैं, घर की चार दीवारी में प्रचंड थी मैं, खुद के लिए एक प्रश्न थी मैं, अपने विचारों को एक पन्ने में पेश करके खुश थी मैं, लेकिन मन में उठे सवालों से परेशान थी मैं, अपने जज्बातों को पेश करके भी जिंदगी के पन्नों में विहीन थी मैं। बेबस इस दुनिया में मौन थी मैं, लाचार जीवन की प्राधीन थी मैं। प्राधीन से स्वाधीन बनी जब सीएफएम से मेरी पहचान जुड़ी,
जब CFM से मेरी पहचान जुड़ी। छिपे हुनर से रूबरू हुई मैं, छिपे हुनर से रूबरू हुई मैं CFM के जरिए आगे बढ़ी मैं, CFM के जरिए आगे बढ़ी मैं। मेरी कविताओं को इन्होंने मंच दिया, उससे बढ़कर उन्होंने मुझे सम्मान दिया, आभार मैं अपना कैसे व्यक्त करूं, इनके कर्ज के तले दबी हुई हूं मैं, शुक्रिया अदा करना चाहेंगी फिर से जहांगीर भैया और खुर्शीद सर का, जिन्होंने हमें एक मंच दिया और हम छोटी सी कवित्रियों को सम्मान दिया। मैं दिल से दुआ देना चाहूँगी कि आप लोग बहुत उन्नति की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ सीमा कश्यप और कोलफील्ड मिरर की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैंने कलम उठाई है। तो कविता इस प्रकार है, मैंने कलम उठाई है ख्वाब को हकीकत की पन्ना देने के लिए। मैंने कलम उठाई है ख्वाब को हकीकत की पन्ना देने के लिए। मैंने कलम उठाई है कलम की तीक्ष्ण नोक से भ्रष्टाचार की उर को भेदने के लिए। मैंने कलम उठाई है दरिद्र असहाय उपेक्षित मासूमियत को बचाने के लिए। कलम की ताकत से उनकी दर्द को दूर करने के लिए। उस दर्दनाक जीवन की तीमिरता को मिटाकर दीप जलाने के लिए मैंने कलम उठाई है। बेजुबा बेबस दलदल से फंसे लाचार बेटी माँ पिता को इंसाफ दिलाने के लिए। उन निर्दोषों की पुख्ता सबूत कलम की जुबा से देने के लिए मैंने कलम उठाई है। सत्ता पर बैठे दुराचारी नेता निर्दोषों के खून से खेलने वाले अभिनेता। के खिलाफ मैंने कलम उठाई है। देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के संकल्प से बंद जुबा के लबों को खोलने दिमक लगे मस्तिष्क को जागरूक करने के लिए मैंने कलम उठाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा सिंह चौहान कोलफील्ड मिरर पत्रिका द्वारा आयोजित CFM वीक में मैं आज अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जान हथेली पर रखते हैं। देकर बलिदान अपना अपने कर्तव्य को निभाते हैं ऐसे धरती माँ के पुत्र जान हथेली पर रखते हैं। अपने परिवार से दूर जाड़े की रात बिताते हैं कड़ी धूप में भी खड़े होकर देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे धरती माँ के पुत्र जान हथेली पर रखते हैं। गर्व करो उस माँ के लाल का जिसके नसीब में ना मिलता उस माँ के हाथ का खाना। जिसने पालन पोषण किया देखा ऊंचे भविष्य का सपना। उस पिता के कदमों को छोड़ अपनों को त्याग कर देश के लिए स्वयं को कुर्बान किया। ऐसे धरती माँ के पुत्र जान हथेली पर रखते हैं। ऐसे माँ के लाल ने अपने
धरती को रक्षा के लिए, ऐसे माँ के लाल ने अपने धरती को रक्षा के लिए जान हथेली में रखते हैं, अपने रक्त से सींच कर इस धरती को स्वर्ग प्रदान करते हैं, अपने रक्त से सींच कर इस धरती को स्वर्ग प्रदान करते हैं, ऐसे धरती माँ के पुत्र जान हथेली पर रखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सनबर सुल्ताना CFM वीक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेहंदी तेरे नाम की। इस कदर प्यार करती थी वह, तुझे अपना बताते हुए कभी ना शर्माया करती थी वह। इस कदर प्यार करती थी वह, तेरे साथ ही सपने सजाया करती थी वह। तू दूर ना हो उससे कभी, तू दूर ना हो उससे कभी, इसलिए मेहंदी में तेरा नाम लिखवाया करती थी वह। तुझे हमेशा खुश देखना चाहती थी, तुझे हमेशा खुश देखना चाहती थी, इसलिए अपने परेशानी तुझसे छिपाया करती थी वह। तू परेशान ना हो उसे देख मुसीबत में, तू परेशान ना हो उसे देख मुसीबत में, इसलिए अपने आंसू अकेले ही पी जाया करती थी वह। तू हमेशा के लिए उसके हिस्से में आ जा, तू हमेशा के लिए उसके हिस्से में आ जा, इसलिए मेहंदी में तेरा नाम लिखवाया करती थी वह। तुझे खुश करने को, तुझे खुश करने को भरे बाजार में तेरा नाम चिल्लाया करती थी वह। तेरे साथ समय बिताने के लिए, तेरे साथ समय बिताने के लिए, साथ आने वाले दोस्तों से भी लड़ जाया करती थी वह। तुझे प्रिय नहीं जान कहकर बुलाया करती थी वह। तू देख भले किसी और को, तू देख भले किसी और को, पर तुझसे नजर ना हटाया करती थी वह। बेवजह का प्यार था उसका, बेवजह का प्यार था उसका, इसलिए सब बातें तुझको ही सुनाया करती थी वह। तुझे सबसे चुराना चाहती थी, तुझे सबसे चुराना चाहती थी वह, इसलिए मेहंदी में तेरा नाम लिखवाया करती थी वह। तुझे सपने में ही नहीं, तुझे सपने में ही नहीं, हकीकत में अपना बनाना चाहती थी वह। धन्यवाद।